हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इन फिगर DE पैरेलल टू BC फाइंड EC। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हम लोग लिख लेते हैं। गिवन मतलब हमें दिया हुआ है, गिवन में हमारे पास है, जो हमें गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC। तो ABC एक त्रिभुज हमें दी हुई है और दूसरा हमें दिया हुआ है DE जो है वो समांतर है BC के। तो DE समांतर है BC के हमें दिया है। आगे बात करते हैं टू फाइंड की, हमें क्या पता करना है। टू फाइंड मतलब क्या, ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना है EC। तो EC हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। तो हल में हम देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन त्रिभुज ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा आपके पास, डीई पैरेलल है बी सी के। तो देयर फोर ए डी अपॉन डी बी, हम लोग लिख देते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू एई अपॉन ई सी, AE upon EC। अब ये कहां से आएगा आपके, फ्रॉम थेल्स थ्योरम और बीपीटी। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर कोई साइड किसी एक साइड के रेशियो होती है तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं AD। AD की वैल्यू आपके पास 1.5 अपॉन BD की वैल्यू आपके पास 3 इक्वल टू AE की वैल्यू 1 और EC की वैल्यू आपने 5 आउट कर दी। तो क्या करते हैं, यहां से पॉइंट हट आते हैं इसका, नीचे 10 हट गया, पॉइंट हट गया। तो 15 एकम 15, 15 दुनी 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा EC इक्वल्स टू 2। तो EC की वैल्यू आपके पास हो गई है 2। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, इन फिगर अगेन दोबारा आपके पास गिवन है DE जो है वो BC के पैरेलल है और हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है AD। तो आप सबसे पहले गिवन लिख लेंगे आपका ट्रायंगल ABC सेम आपके पास आ जाएगा और जो गिवन है वो लिख देंगे DE पैरेलल है BC। तो टू फाइंड हमारे पास क्या आ जाएगा, टू फाइंड आ जाएगा वैल्यू ऑफ AD। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में अगेन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था इसके, क्या आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। तो पहले लिख लेते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये आपके पास अगेन कहां से है, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो हम वैल्यू पुट करते हैं AD। AD की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। तो AD की वैल्यू x हमने लिख लिया। BD की वैल्यू 7.2 हमने वैल्यू पुट करेंगे 7.2। AE आपके पास था 1.4 1.8 और EC की वैल्यू है 5.4। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं यहां से, इसका पॉइंट हटेगा ऊपर 10 और इसका पॉइंट हटेगा नीचे 10। तो 18 का 18 18 दिया 54, तो आपके 3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 1 बचा है तो 1 को 7.2 से एंड x को 3 से, तो 3x इक्वल्स टू 7.2। तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7.2 डिवाइड बाय 3। तो डिवाइड कर लेते हैं 7, 3 2 जा 6, पॉइंट लगा, एक कैरी चला गया 12, तो 3 4 जा 12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। सो x किसकी वैल्यू थी आपके पास, AD की। तो देयरफॉर आप लोग लिख लेंगे यहां से, therefore AD equals to 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड ऑफ PR, PQ एंड PR। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल PQR बना लिया। तो अब आपके पास E जो पॉइंट है वो आपके पहली साइड है PQ। तो so, PQ के ऊपर हमने E पॉइंट बना लिया, यहां पर ये है आपका E पॉइंट। उसके बाद F पॉइंट है PR पर, तो F पॉइंट को हमने PR पर बना लिया, PR पर आपका हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिला लेते हैं इसको। अब देखिए इसका ये एक पार्ट मैं आपको बना रहा हूं, बाकी के जो तीन पार्ट है सेम आपके यही फिगर बनेगी, कैलकुलेशन आपने करनी है। सिर्फ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन से एक आइडिया बता देता हूं कि आपने करना किस तरह से। आपने जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो सेम इसी तरह से कैलकुलेशन आपने कर लेने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो PE आपके पास जो जो गिवन है यहां पर आप लोग लिख लेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट में आपके पास PE 3.9, तो यहां पर PE 3.9 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। नेक्स्ट EQ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो इसको 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अगला PF 3.6, तो 3.6 हमने लिख दिया। और लास्ट है FR 2.4,
सो इसको हमने 2.4 सेंटीमीटर, आप लोग सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां पर लिख देंगे। सो अब हमने क्या करना है, चेक करना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो क्या कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो इक्वल है तो दैट मींस आप लोग क्या कर देंगे, ये वाली साइड इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, मतलब जो थ्योरम में हमने किया उसके विलोम के द्वारा हम लोग कह लेंगे कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो चलिए सबसे पहले रेशियो निकालते हैं पीई अपॉन ई क्यू का। चलिए वैल्यू देखते हैं, पीई, पी की वैल्यू है 3.9, तो हमने लिख दिया है यहां पर 3.9 डिवाइड बाय ई क्यू, ई क्यू की वैल्यू है 3। सो इसको डिवाइड करते हैं, तो चलिए यहां से हम लोग कटिंग कर लेते हैं, 3 1 3 एंड 3 3 9, तो आपके पास हो गया 1.3 अपॉन 0, तो इसको पॉइंट डाल लेते हैं 10, तो आपके पास हो गया 13/10। इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं पी एफ ओवर एफ आर, तो आप देखते हैं पी एफ ओवर में एफ आर, तो देखते हैं पी एफ, पी एफ की वैल्यू आपके पास 3.6 और एफ आर की वैल्यू 2.4। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको कटिंग करते हैं 12 से, 12 3 दा 36, 12 2 दा, तो आपके पास हो जाएगा 3/2। तो देखिए ये जो 13/10 है और 3/2 है ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख देंगे देयरफॉर ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जब आप रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो आप लोग लिख देंगे देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं, इन फिगर LM पैरेलल है CBK और LN पैरेलल है CDK, तो प्रूव दैट AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन ND। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन, तो यहां पे गिवन आपने लिख लेना है, गिवन क्या है आपके पास, मतलब दिया है आपको, दिया है LM पैरेलल CBK नंबर 1 और नंबर 2 LN पैरेलल है CDK। अब उसके बाद देखते हैं टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध क्या करना है जो आपको यह है, तो सिद्ध आपको करना है ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में हल में सबसे पहले हम देखेंगे एल एम पैरेलल सी बी के इन ट्रायंगल, तो एल एम देखते हैं कौन सी ट्रायंगल में, एल एम तो एल एम और सी बी, तो ये कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में क्या आपके पास गिवन है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो अब देख, चलिए अब हमने क्या देखा, ट्रायंगल ए बी सी में जो एम एल है, जो एल एम है या एम एल है वो बी सी के पैरेलल है। तो देखिए अगर सिंपल से बात करें हम, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी के बराबर होगा, लेकिन प्रूफ हमें करना है ए एम ओवर ए बी, तो ए एम छोटा पार्ट है, ए बी बड़ा पार्ट है, तो यहां पर भी आपके पास क्या जाएगा, इसका बड़ा पार्ट देखते हैं, छोटा पार्ट, छोटा पार्ट ए एल है और बड़ा पार्ट है ए सी, तो देयरफॉर लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू, यहां पर छोटा पार्ट ए एल अपॉन बड़ा पार्ट है आपके पास ए सी, तो AC, तो ये आपके पास हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली देखते हैं इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में क्या देखा हमने, LN हमें दिया हुआ है पैरेलल है CD के, तो देयरफॉर इसमें भी आपने क्या देखना है, छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट, तो छोटा पार्ट आपके पास क्या है, AN अपॉन में AD बराबर AL अपॉन ए सी, तो ये आपके पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों आप कितने लिखेंगे, आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स, सॉरी थेल्स थ्योरम, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम। सो फर्स्ट में भी आपका रीजन वही आएगा और सेकेंड में भी आपका सेम रीजन आएगा थेल्स थ्योरम। सो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं, यहां देखते हैं AL अपॉन AC, तो यहां से आपका AL अपॉन AC जो है दोनों साइड आ रहा है, यहां से भी AL अपॉन AC और यहां से भी AL अपॉन AC, तो ये दोनों साइड सेम है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, जो इसकी राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AM अपॉन AL, AM अपॉन, ठीक है, तो यहां पर आपका AM अपॉन AB, यहां पर लिखेंगे AM अपॉन AB
दैट इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड है ए एन अपॉन ए डी, तो यहां पर लिखेंगे ए एन अपॉन ए डी। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो अब आप लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोल रहा है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। तो देख लेते हैं यहाँ पे DE कौन सा है, आपका जो DE है वो AC के पैरेलल है नंबर वन, और DF पैरेलल है EC के। तो DF हम लोग देख लेते हैं, DF देख लेते हैं, DF जो है वो पैरेलल है आपके पास AE के, तो DF AE के पैरेलल है। ठीक है, तो अब क्या हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमने लिख लिया है, जो दिया था वो भी हमने लिख लिया है। अब सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं जो DE और AC, तो DE आपके पास कहां है, ये रहा आपके पास DE, और AC का है आपके पास ये। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है, देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। सो ए बी और सी मतलब बड़ी वाली त्रिभुज, तो बड़ी वाली त्रिभुज में हमने क्या देखा, हमें दिया हुआ है डीई पैरेलल है एसी के, तो डीई जो है एसी के पैरेलल। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको देख लें डीई, तो यहां से बेटा आपके पास हो जाएगा बीई बटे में ईसी बराबर बीडी अपॉन एडी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, तो यहां से अगर आप यहां से लिखने चाहें तो एडी अपॉन DB बराबर BE अपॉन EC भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से इस पॉइंट से लिखना शुरू कर लेते हैं BE ओवर EC। तो यहां से therefore हम लोग लिख लेंगे BE ओवर EC बराबर BD और बटे में DA। तो ये आपके पास हो गया फ्रॉम थेल्स थ्योरम। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, दूसरा देखते हैं। अब दूसरी साइड हम देखते हैं इन ट्रायंगल देखते हैं, उससे पहले देखते हैं DF और AE। तो DF आपके पास है DF, तो DF और AE, तो AE आपके पास पता है छोटी वाली ट्रायंगल बन गई है। तो यहां पे ट्रायंगल कौन सी बनी है, AB और E। तो इन ट्रायंगल AB एंड E, तो AB में हम लोग क्या देखेंगे, फिर दोबारा देखते हैं DF जो था वो पैरेलल था AC के, DF पैरेलल है AC के, तो देयरफॉर फ्रॉम थेल्स थ्योरम क्या जाएगा BF अपॉन FE बराबर आपके पास आ जाएगा BD अपॉन AD, BD अपॉन DA या AD। ये आपके पास हो गई सेकंड, और ये भी आपके पास फ्रॉम थेल्स थ्योरम आपने लिख देना है। तो यहां पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में यहां पर आपके पास है बीडी अपॉन एडी, और यहां पर भी आपके पास बीडी अपॉन एडी। तो इसका मतलब जो इसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड है बीई अपॉन ईसी और बीएफ अपॉन एफई, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर आपके पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या जाएगा BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE। तो लिख लेते हैं BE अपॉन EC बराबर में BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक। थैंक यू वेरी मच।